तो ये देखिए कितना प्यारा नजारा है पीछे सनसेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं ललित वर्मा ब्लॉग। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं बैजा ताल पे, और मुझे कुछ नया दिख रहा है कि बैजा ताल के ऊपर वाली साइड पे बैरिकेड लगे हैं, जो कि मुझे लग रहा है शूट की वजह से लगे हैं कि शूट नहीं कर सकते। बाकी आज हमारे साथ हैं संदीप राठौर जी, जो कि आज फ़ोटो शूट करने वाले हैं, और हमेशा की तरह संदीप राजवर हैं जो कि अपना वीडियो शूट करेंगे, और अभिषेक है, अभिषेक का नाम पूरा अभिषेक शर्मा जी हैं। तो चलिए मिलते हैं इस प्री वेडिंग में, देखते हैं कैसा शूट निकल के आता है। बाकी मैं आपको लिंक दूंगा जब भी आपको अपलोड करेंगे अगर हम तो। वैसे तो पानी बहुत गंदा है, काई लगी हुई है, काफ़ी गंदा है, लेकिन देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है। इस नज़ारे को देखिए, कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही शानदार लगता है। तो अभी हमारा यहाँ पे शूट ख़त्म हो चुका है, अभी करीब बज गए हैं, 8:30 बजने वाले हैं। तो करीब 2 घंटे हमने शूट किया, 1.5 से 2 घंटे, और शूट यहाँ से कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लोकेशन हमारा है ग्वालियर फोर्ट, तो 8 घंटे बाद वहाँ पर मिलते हैं। सो अभी हम आ गए हैं कर्ण महल के पास, जो कि अंदर है, और वहाँ पर पीछे संदीप वगैरह शूट चल रहा है। तो शूट तो चल ही रहा है, बाकी हम, और अगर आप प्री वेडिंग बुक करना चाहते हो तो बुक कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम से आके। तो गाइस वैसे किले पे शूट करने के बाद समय हो चुका है 5:15, और अब हम, मैं लोकेशन जो दिखा रहा हूँ, सीधे हम तिगरा आ चुके हैं, मतलब 1 घंटे का रास्ता है वहाँ से, तो तिगरा आ चुके हैं। यहाँ पे वैसे तो अंदर घुसने का चार्ज 10 रुपये है, लेकिन अगर शूट करना तो बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़ गए, करीब 4500 रुपये चार्जेस हैं। और अब अंदर चलते हैं तो दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है, और बताता हूँ सनसेट का व्यू दिखाता हूँ कितना प्यारा आ रहा है तिगरा से। और ये अंदर का नज़ारा देखिए कितना शानदार है, ये बोट क्लब है यहाँ पे, और देखो कितना सुकून भरी जगह है, बहुत मस्त। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है पीछे सनसेट, तो बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे बोटिंग हो रही है, आप देख सकते हो कि वो जो बोटिंग हो रही है तो स्टीमर बोटिंग हो रही है, और कितनी फास्ट बोटिंग है। तो इसके अलग अलग चार्जेस है, वहाँ पे देखो बनाना बोटिंग भी है एक नई प्रकार की, और वहाँ पे स्कूटर भी है। देखो दिखा पानी को बीचों बीच रखा है, आइए दिखाते हैं एक नज़ारा यहाँ से भी, देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ये तिगरा के डैम बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हमारी पार्टी रेडी हो रही है, तो हम वेट कर रहे हैं, और चल इस साइड और दिखाते हैं, ये दोनों साइड थोड़ा पानी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। ये है एमपी टूरिज्म, लेकिन एक बात है, हम काफ़ी साल पहले आते थे यहाँ पे, अरे वाह, तो मतलब ये सब नहीं बना था उस टाइम पे, तो घर से सारा सामान लेके आना और यहाँ पे पिकनिक मनाना, काफ़ी मज़ा आता था उस टाइम पे भी, लेकिन आज भी बहुत अच्छा नज़ारा है। लेकिन एज अ सूट के नज़रिए से देखेंगे तो मतलब फिक्स हो गया है थोड़ा सा घूमने का, और उस हिसाब से पहले के हिसाब से थोड़ी कम भीड़ हो गई है।
नहीं तो पहले मुझे ज़्यादा भीड़ दिखती थी यहाँ पे, ऐसा लगता था कि काफ़ी, जब भी आते थे बचपन में तो काफ़ी और भी अच्छा था, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो गया, बन गया है काफ़ी, तो वो चीज़ और अच्छी है, अच्छा लग रहा है अभी शूट करते हैं। तो हमारे जो पीछे हैं कैमरे के पीछे, वो अभिषेक जी हैं जो शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बोटिंग लगी हुई है उसमें, किसी में भी जा सकते हैं, किसी का बस बहुत बढ़िया है। आ गए हम। अरे यार कोई नहीं है, अपना सामान लगा था। अच्छा वो तो बोन पायर बस। सो आज का दिन कुछ ऐसा ही था कि सुबह सुबह से निकल गए थे 5 बजे, पहले बैजा ताल गए, वहाँ पे काफ़ी सारा शूट किया, फिर दिन में हम ग्वालियर फोर्ट गए, ग्वालियर फोर्ट के अंदर काफ़ी सारा शूट किया, और फिर इवनिंग में फाइनली तिगरा गए, तिगरा पे तो काफ़ी इन्जॉय भी किया और काफ़ी सारा शूट किया था, और फिर आते आते हमें नाइट हो गई काफ़ी सारी, फिर आके नहाया धोया और फिर खाना खाया, अब काफ़ी थकावट हो गई है तो अब सोता हूँ। और आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली ब्लॉग में।